बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 55 में आप शामिल ठीक है। इससे पहले हमने जो क्लास की है वो है केमिस्ट्री एनालाइजर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेमाटोलॉजी एनालाइजर। ठीक है, इस एनालाइजर को आप लोग हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप लोग CBC टेस्ट लगा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, मतलब एक CBC के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे पास, WBCs है, RBCs है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, इस तरह हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज भी हैं। तो एक CBC टेस्ट के थ्रू आप लोग मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का भी जो है ना पता लगा सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ जो है ना आप ब्लड वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब एक इन्फेक्शन हो, ठीक है, वो भी आप लोग मालूम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट, ये CBC टेस्ट जो है ना आप लोग लगा सकते हैं मैनुअल तरीके से भी। ठीक है, जिस तरह हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में कि TLC काउंट जो है ना वो किस तरह किया जाता है, थ्रू न्यू बार काउंटिंग चैम्बर। ठीक है, फिर इस तरह साहलीज मेथड से या फिर साइरोमेथेमोग्लोबिन मेथड से आप लोग हेमोग्लोबिन की एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक पेरिफेरल स्मेल जो है ना वो बना के आप लोग मुख्तलिफ सेल्स की मॉर्फोलॉजी भी देख सकते हैं और मुख्तलिफ सेल्स की जो है ना आप लोग काउंटिंग भी कर सकते हैं, मतलब उनकी नंबरिंग मालूम कर सकते हैं। सही, तो उस पर तो वो तो मोर टाइम कंज्यूमर है और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना, मतलब एक घंटे तक जो है ना टाइम लग सकता है। लेकिन ये एक हेमाटोलॉजी एनालाइजर आपके लिए जो है ना विद इन 2 मिनट जो है ना ये सारे पैरामीटर जो है ना वो दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस के थ्रू जो है ना ये आपके लिए क्या करता है कि सेल्स की काउंटिंग करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ब्लड जो है ना वो फ्री फॉर्म में होना चाहिए कि आपके पास जो है ना ब्लड फ्री हो। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने ADTA एंट्रोकोगुलेंट जो है ना मिक्स किया हो। ठीक है, अच्छा, और ये हेमाटोलॉजी एनालाइजर क्या करता है कि ये सेल वॉल्यूम जो है ना उसके वॉल्यूम के मुताबिक मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर जो है ना सेल्स वो डालते जाते हैं और फिर जो है ना आपको एक रिजल्ट जो है ना वो डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना इसको ऑन करते हैं। पिछली साइड पर जो है ना हमारे पास है ऑन ऑफ बटन है। ठीक है, पावर केबल लगा है, उसके थ्रू हम इसको ऑन करता है तो ये फिर जो है ना इनिशियलाइजेशन करता है, सेटिंग करता है, उसके बाद जो है ना आपके पास जो प्रोब है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, और आप लोग फिर जो है ना सैंपल पिला सकते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीन सेव करते हैं, ये प्रोब जो है ना वो नीचे आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने इसको ID नंबर देना है। ID नंबर कोई भी आपके पास जो है ना चलता हो, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, ये मेरे पास न्यू पेशेंट का जो है ना ID है, इसको मैंने एंटर करना है। ठीक है, एंटर किया, अब जो मेरे पास सैंपल पड़े हुए हैं, ठीक है, ये एंटीकोगुलेटेड ब्लड मेरे पास जो है ना रेडी है। ठीक है, और अब मैंने इसको जो है ना मशीन को पिलाना है थ्रू प्रोब। ठीक है, तो सैंपल को जो है ना बिल्कुल सामने लेके आना है ताकि आपका प्रोब जो है ना वो ब्लड तक पहुंच जाए और थोड़ा जो है ना वो डेप्थ हो जाए। ठीक है, यूं बिल्कुल आंखों के सामने, और ये पुश बटन जो है ना आपके पास लगा हुआ है। ठीक है, हाथ के साथ इसको आप लोगों ने क्ले करना है। देखिए, जो ब्लड सक करना था वो सक कर गया और अंदर ले गया। ठीक है, अब ये जो है ना प्रोसेसिंग करेगा और जो है ना आपको कैलकुलेशन जो है ना करके रिजल्ट जो है ना आपको डिस्प्ले करना है। देखिए, WBCs है, फिर WBCs के मुख्तलिफ टाइप्स हैं आपके पास, ग्रैनुलोसाइट्स और नॉन ग्रैनुलोसाइट्स, उसकी परसेंटेज आपको देता है, साथ साथ हेमोग्लोबिन भी देता है। ठीक है, RBCs है और उनकी भी जो है ना काउंटिंग करके देता है, और साथ साथ एब्सोल्यूट वैल्यूज HCT है, MCV है, MCH है, MCHC है, वो भी देता है, और साथ साथ जो है ना प्लेटलेट्स का भी मकदार भी जो है ना आपको दे सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम भी मज़ीद इस पर जो है ना बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।